आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको पहले बात बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात बताइए, जो इस देश में लेफ्टिंग मीडिया चल रहा है, अभिषार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, या फिर क्या नाम उसका, रवीश कुमार चाटुकार, क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है कांग्रेस से? सब कटवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप भाई साहब आप जांच तो करवाइए, हर एक आतंकवादी है। भाई का वीडियो मैं देखता हूँ। अच्छा, बात सुन, इसके माइंड में मुस्लिम के खिलाफ जहर भरा हुआ है। ये अबे आतंकवादी, सारा मुस्लिम तू कह रहे हो, अभी सारा मुस्लिम बोला है। हर एक आतंकवादी मुस्लिम होता है, मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम एक साइड अपना देना चाहते हैं, सभी का खून शामिल इस मिट्टी में अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो सनातनी का बच्चा, समझे भाई? ये क्या एक हिंदू आतंकवादी का नाम, आतंकवादी की बात नहीं कर रहा, हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवाइए। मैं क्या गिनवाऊं, एक हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवाइए। मुसलमान जितनी भी है, मुसलमान देखो, कांग्रेस ने हमेशा में बोला फूट की राजनीति की, मुसलमान को भी मुसलमान ही रहने दिया, चूड़ा को चूड़ा ही रहने दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही रहने, आरक्षण किसी को नहीं दिया, आरक्षण किसी नेताओं ने उसको फायदा उठाया। तो आज हमारा देश 70 साल हुआ है, आज भी तुम आरक्षण मांग रहे हो? अरे आरक्षण क्या, हिंदू में गरीब नहीं है? चैलेंज करता है आपके TNN चैनल के माध्यम से, अगर वो चैनल में, अगर वो आके अपना आधार कार्ड दिखा दे, पैन कार्ड दिखा दे, वोटर आईडी कार्ड दिखा दे, नाम पे कुत्ता पोस लेंगे, बोलिए दिखा देने उका दे तो ठीक है। सेक्युलर का मतलब पहली बार तो हम आपकी जनता को भी कहना चाहते हैं, आपको भी समझाना चाहते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं होता है। आप कोई भी डिक्शनरी पलट लीजिए, मेरा ऐसा मानना है सेक्युलर का मतलब कायर बुजदिल हिंदू है, जो अपना लुल्ली कटवा लेते हैं बड़े होने के बाद, हो बच्चे में हो, चाहे और बड़े होने के, शादी होने के बाद हो। पहली बात तो 100 बात की एक बात राहुल गांधी कठुआ है, क्या है क्या है, हम नहीं बोल सकते ना, हम बोल रहे हैं ना, कठुआ है, चैनल पे चलना चाहिए। क्या पूछे कि अभी अभी बहुत सारा गंदंगा हो रहा है, ठीक है, सहमत हो रहे हैं इनकी बात, किसी ना किसी पार्टी का, एक मिनट किसी ना किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक, आइदर ही इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी BJP और कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ठीक है, या आम आदमी पार्टी, किसी का भी तो हाथ है इसमें। आरोप लगाना बड़ा आसान है, सरकार केंद्र में अभी भी BJP की है, आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर। 2014 से पहले ना, जहाँ पे आप खड़े हो, कैसे पूछ रहे हैं ना, 2014 से पहले, समझे, यहाँ पे बम फटता था, यहीं पे, एग्जैक्ट यहीं पे, और चांदनी चौक में बम फटता था, संसद भवन में बम ब्लास्ट हुआ था। अगर अभी नहीं हो रहा है, अभी अगर मान लीजिए कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा है, या फिर कश्मीरी में जो श्रद्धालु जा रहे हैं, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जो श्रद्धालु है, जो अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, शिवखोड़ी जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उस पर कार्रवाई करेगा कौन, ये बताइए कौन करेगा? आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात बताइए, जो इस देश में लेफ्टिंग मीडिया चल रहा है, अभिषार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, या फिर क्या नाम उसका, रवीश कुमार चाटुकार, क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है कांग्रेस से कि भाई इतना आतंकवादी हमला हो गया, कौन इस पर आरोप लगाएगा, कौन इस पर कार्रवाई करेगा, कौन नहीं पूछ रहा, ये बात बताइए ना। अंकल जिंदाबाद बोले, फौज में हो, देश में हो, इंटरनेशनल अफेयर हो, हर जगह BJP काम कर रहा है, अगर 2-4 दंगा हो रहा है तो आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर ध्यान दे रहे तो आप कार्रवाई का मांग करिए ना। एक बात बताइए, भले हमले का रीजन कुछ भी हो, ठीक है, हाथ किसी का भी हो, अब देश को इंतजार है, बदला कब लिया जाएगा? हाथ किसका, ये बताइए, एक आतंकवादी का नाम बताइए, नाम बताइए, अभी पता नहीं है ना किसका हाथ है, क्या रीजन है, कैसे है। यासिन मलिक कौन था, बुरहान मानी कौन था, यासिन मलिक कौन, आतंकवादी, तो बस बात खत्म। तो यहाँ आतंकवादी यहाँ मुस्लिम है ना सर, अब जब NRC आ रहा है, जब CA आ रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं कि CA में मुस्लिम का नाम है, CA में M लेटर से कोई वर्ड का प्रयोग ही नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं, आतंकवादी जो यहाँ पे हिंदू है। आपको बता दें, जहाँ पे भी आतंकवादी हो रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, हर जगह आतंकवादी एक ही शख्स है, एक ही कौम से आते हैं, जो कि मुस्लिम है, उस पर कार्रवाई अगर जो मोदी जी करने काम करेंगे तो आप बोलिए सारे मुस्लिम से समुदाय खतरे में आ गए, फिर वही सारे मुस्लिम सारे मुस्लिम क्या बोले, सारे मुस्लिम को क्यों आरोप लगा रहे हैं, सब सांप 40 लाख मुसलमान है देश में, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों सांप है इस देश में, उसमें से कई सारे ऐसे सांप है जिसमें जहर नहीं है, आप कैसे पता करिएगा कि सब में जहर नहीं, बताइए सब कटवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, भाई साहब आप जांच तो करवाइए, हर एक आतंकवादी है। भाई का वीडियो मैं देखता हूँ। अच्छा, बात सुन, इसके माइंड में मुस्लिम के खिलाफ जहर भरा हुआ है, ये अबे आतंकवादी, सारा मुस्लिम तू कह रहे हो, अभी सारा मुस्लिम बोला है। हर एक आतंकवादी मुस्लिम होता है, मानते हैं या नहीं मानते हैं? इनके मुस्लिम पे बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, वो गांधी, हर आतंकवादी मुस्लिम होता है, एक मिनट, हर ये जो इसको मारा गया था राहुल, ये फिरोज खान जो तुम बोलते हो, तुम्हारा लैंग्वेज है फिरोज खान, खान है तो खान, तो इनका बात सुनिए, इनका फोन मारा था, फोन मारा था किसको,
फिरोज खान को। फिरोज खान कौन है भाई? तो आप ही अरे भाई, वो तो बीमारी से मरा, वो तो बीमारी से मरा। कटुआ को कोई भी देश का मार दे, उदेश वक्त है। आप एक बात बताइए ना, एक चीज रुक जाए, एक चीज लेना चाहूंगा। आप किसका नाम ले रहे थे? मैं कह रहा हूँ अब्दुल कलाम जी, वो मुसलमान नहीं है, कहेगा को उसको उसके वो देखो ना, अब्दुल कलाम जी का क्या बोलता था, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक शायर था राहत इंदौरी, जिसका नाम था, बोला था कि नहीं इधर आ जाइए भैया जी, इधर आइए। वो क्या बोला था, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम एक शायरी अपना देना चाहते हैं, सभी का खून शामिल इस मिट्टी में, अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। भाई जो तुम्हारे बाबा पाकिस्तान ले चुके हैं, तुम तो आतंकवादी हमला कर रहे हो, तो मुस्लिम का नाम नहीं ले तो किसका नाम ले? ठीक है, एक बात बताइए, अब्दुल कलाम की सर आप बात कर रहे हैं, वो सबके दिलों में बसते हैं, इज्जत देते हैं। बात चल रही है आतंकवाद की, उस पर आखिर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सालों को खत्म करो, जो उनसे मिल जाए इनकाउंटर कर दो, जो गलत कर रहा है। लेकिन भैया वही तो कह रहे हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये हर आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धालुओं की जो बस जा रही थी उनकी क्या गलती थी आखिर? सिर्फ ये कि वो हिंदू थे? गलती नहीं है, ये एक ही हिंदू थे। नहीं नहीं, ये जो भी मिला है ऐसा आदमी इनकाउंटर कर दो ना, ऐसे कहा वीर अब्दुल हमीद बनो तो तुम कहाँ बन रहा है? यहाँ तो अकबर बाबर जैसे छक्के कोई लोग समर्थन करते हैं, बोलता है राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे, बाबर छक्का था उसका मस्जिद बनाओगे तुम लोग? एक बात बताइए ना, अकबर क्या करता था, जितनी भी महिला थी अगर पर्दा में नहीं रहती थी उसका बलात्कार करता था महिला रूम में बुला के, वैसे अकबर को माने? भाई हम प्रभु श्रीराम के वंशज है, हम महाराणा प्रताप को मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, हम अपने आप को मानते हैं, ठीक है, लेकिन अकबर बाबर जैसे छक्के बुजदिल कायर लोग को हम लोग नहीं मानते हैं। अब अगर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादी है तो बिल्कुल है, एक हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवा दीजिए, है औकात गिनवा दीजिए ना, एक हिंदू आतंकवादी गिनवा रहे थे भी। सिर्फ एक, अरे बॉर्डर पर तो क्यों आने दे रहे हैं इनको, किसको? हमारे तो आदमी आने दे रहे हैं। अरे एक हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवाइए। क्या एक हिंदू आतंकवादी का नाम? आतंकवादी की बात नहीं कर रहा, जो हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवाइए। मैं क्या गिनवाऊं तेरे, एक हिंदू आतंकवादी का नाम गिनवाइए। है खुदा बस नहीं है, ही नहीं हिंदू आतंकवादी आज तक देश में है ही नहीं। मुसलमान जितनी भी है, मुसलमान देखो कांग्रेस ने हमेशा, मैं बोला फूट की राजनीति की, मुसलमान को भी मुसलमान ही रहने दिया, चूड़ा को चूड़ा ही रहने दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही रहने, आरक्षण किसी को नहीं दिया, आरक्षण किसी ने नेताओं ने उसको फायदा उठाया। तो आज हमारा देश 70 साल हुआ है, आज भी तुम आरक्षण मांग रहे हो? अरे आरक्षण क्या, हिंदू में गरीब नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन आंसर दीजिए, इतना सारा देश में बहुमत है, इतने सारे वोटर है, राहुल गांधी क्यों हार गया? इसका सबसे बड़ा आंसर आपको पता है क्या है, कि राहुल गांधी के जो चमचे समर्थक है, चमचे ठीक है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। जो इस देश में सबसे बड़ा एजेंडा चला है कौन, वो जो ध्रुव थाड़ा को आया था विदेश से, जर्मन सेवर्ट जिसको कुत्ता बोला जाता है, ध्रुव राठी, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है? चैलेंज करता है आपके TNN चैनल के माध्यम से, अगर वो चैनल में अगर वो आके अपना आधार कार्ड दिखा दे, पैन कार्ड दिखा दे, वोटर आईडी कार्ड दिखा दे, नाम पे कुत्ता पोस लेंगे, बोलिए दिखा देने का दे, तो है ही नहीं सर, है ही नहीं। अरे सुन लीजिए ना सर, उसके पास वोटर आईडी कार्ड खुद नहीं है। अगर तुम्हारा इतना औकात है, तुम इतने बड़े वोटर हो, इतने बड़े देशभक्त हो, तुम किसको वोट दिए बताओ? तुम दिया है किसी को वोट? एक बात बताइए, इस देश में बीजेपी लड़ा, कांग्रेस लड़ा, सपा लड़ा, सब जितना पार्टी था सब लड़ा। अगर तानाशाही इतना देश में था, कांग्रेस को लड़ने कौन दे दिया? अगर इस देश में तानाशाही था, अयोध्या में सपा कैसे जीत गया बताइए ना, कैसे जीत गया? और ध्रुव राठी खुद क्यों नहीं वोट दिया? मतलब इस देश का एजेंडा देखिए, जो सबसे ज्यादा वोट का परचम लड़ाया कि भाई देश के जनता डिक्टेटरशिप आ रहा है देश में, आप लोग पक्का वोट करिए, वो खुद वोट नहीं दिया। आपको बता दे, अगर तानाशाही है तो तानाशाही झेलिए, क्योंकि अभी मोदी जी है ना, बाबा से उम्मीदों मत रखिएगा, बाबा आ गए ना तानाशाही का तो अभी नहीं बोल पाएगा, सही बता रहे हैं। अगर वो आ गए तो इस्तीफे की मांग की बातें करते हैं ये विपक्ष वाले कि बाबा को हटा देंगे, वाले के मांग से हो जाएगा। यूपी से हार गए, हम मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को फांसी के फैसला लटका देने के लिए, क्या लटक जाएगा? लटका दीजिए, उसके ऊपर नेशनल हराट केस चल रहा है, लटका दीजिए ना, क्यों नहीं लटका रहे हैं? आपको बता दें, इस देश में एक एजेंडा चल रहा है, वो एजेंडा है लेफ्ट विंग का। इस देश में सरदार का 36 टुकड़ा हुआ, कोई लेफ्ट विंग मीडिया नहीं उठाया। अगर आप TNN उठा रहे हो तो आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन है। इस देश में नीलम यादव का 20 रुपये कान नाक स्तन काटा गया, कौन मीडिया उठाया ये बताइए? साक्षी का 20 रुपये साहिल खान चाकू गोद गोद के मारा, कौन मीडिया उठाया बताइए ना? यूपी में बदायूगा में बच्चा को चाकू गोद गोद के मार दिया, मारने का उसका खून पिया, कौन मीडिया उठाए बताइए? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो हम गलत हो गए, हम पैसे वाले वर्कर हो गए, पेट वर्कर हो गए। आपको बता दें, इस देश में जितना आतंकवादी हमला हुआ है, जितना मुस्लिम हिंदू को मारा है, उस टाइम इन लोग का बोधी बोधी मंद हो जाता है। आप देख लें बॉलीवुड वाली को,
श्रद्धा कवर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा हो, क्या बोलते हैं उसका, माधुरी दीक्षित हो, आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, एक बात बताइए, अगर वरुण धवन का बाप अगर डायरेक्टर नहीं रहता तो गुपचुप बेचता कि नहीं बेचता, ये बताइए, बताइए हाँ या ना बोलिए, वो यहीं सीपी में गुपचुप बेचते। आप इतनी गहरी गहरी बातें करते हैं और कि हमले हुए ये सभी जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं, उसके बाद भी क्या लगता है ये सेकुलरिज्म की बातें क्यों होती हैं देश में? सेक्युलरिज्म इस देश में नहीं है, अगर ये देश सेक्युलर है तो वक्फ बोर्ड कौन लाया ये बताइए, अगर ये देश सेक्युलर है तो पब्लिक क्या बोलते हैं प्रोविजन एक्ट कौन लाया, और कहीं ना कहीं पब्लिक वर्शिप एक्ट कौन लाया ये बताइए, माइनॉरिटी कमीशन कौन लाया, हज सब्सिडी कौन लाया, अगर ये सब तुम लाओगे तो हम भी एक चीज़ लाएंगे, वो है हिंदू राष्ट्र, बोलो झेल पाओगे? कैसे लाओगे? ले आएंगे, सीए आ गया ना, आ गया कि नहीं, माइनॉरिटी सब जितना भी देश में था ना सब यहाँ आ चुका है, अब एनआरसी आएगा, एनआरसी मतलब क्या जानता है पता है क्या है, जितने इस देश में पत्थरबाज है चाहे यहाँ हो बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, सब कोई छप जाएंगे यहाँ से। कुछ लोग कहते हैं, एक सवाल सुन लीजिए कि आप जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तमाम लोग भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता हिंदू राष्ट्र पर बात नहीं करता, ठीक है जनता बात कर रहा है ना, जनता से बढ़ के थोड़ी बीजेपी है, अगर हिंदू राष्ट्र का बात हम कर रहे हैं ठीक है तो बस हिंदू राष्ट्र बन गया है, ठीक है, और सत्य सनातन मानद को रोंद नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकते तुम, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, एनआरसी आएगा, सीए खाता सीए आएगा, और कहीं ना कहीं 317 अभी देख लिया आ चुका है, और जितने भी कश्मीर में आतंकवादी पल रहे हैं, आज जो हमला हुआ है वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु पूजनीय होते हैं उन पूजनीय श्रद्धालु को मारा गया है, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, अगर ये सब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नहीं होगा, सिंपल बात है, और लव जिहाद पे कानून आता है उसका सबसे पहले विरोध कौन करता है बताइए, हाँ या ना बोलिएगा, कांग्रेस करता है या नहीं, गीता एक, 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 एक सवाल एक सवाल है मेरा आपसे, अभी एक भैया थे जो संविधान की बात कर रहे थे, और संविधान की जब सभा हुई थी तब उसमें एक बात लिखी गई थी कि अगर देश धर्म निरपेक्ष है तो इसमें माइनॉरिटीज के हकों की बात नहीं होनी चाहिए, या फिर देश धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष संविधान से चला रहा है, एक बात उसके बाद भी सेक्युलरिज्म की बातें होती हैं, सेक्युलर का मतलब क्या जानते हैं, सेक्युलर का मतलब कायर बुजदिल हिंदू, ठीक है, सेक्युलर का मतलब पहली बार तो हम आपकी जनता को भी कहना चाहते हैं, आपको भी समझाना चाहते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, आप कोई भी डिक्शनरी पलट लीजिए, मेरा ऐसा मानना है सेक्युलर का मतलब कायर बुजदिल हिंदू है, जो अपना लुल्ली कटवा लेते हैं बड़े होने के बाद हो, बच्चे में हो, चाहे और बड़े होने के शादी होने के बाद हो। सवाल नहीं समझे, अगर संविधान की सभा में ये बातें हुई कि देश धर्म निरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज के उनके हकों की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल है, अगर धर्म निरपेक्ष है, अगर उनके हकों की बात हो रही है, माइनॉरिटीज की बात हो रही है, तो देश धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद भी आखिर क्या वजह रही कि देश सेकुलर भी हो गया और इनकी बातें भी हो रही हैं? माइनॉरिटी कमीशन कौन लाया ये बताइए, अगर ये देश सेक्युलर है, मेरा सिंपल कहना है, अमरनाथ यात्रा पे इतना सिक्योरिटी क्यों रहता है, 80,000 से प्लस सिक्योरिटी तैनात वहाँ रहते हैं, पर आदमी पे 80 बैटालियन पुलिस तैयार रहते हैं, क्यों रहते हैं ये बताइए ना, क्यों रहते हैं पता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इस देश के भाई भाई हैं, ऐसे भाई भाई हैं जो इस देश में जितना भी मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे मोतिया खान में दरगाह हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कश्मीर में आप चले कोई मस्जिद हो, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है, हमारे वैष्णो देवी पे सिक्योरिटी क्यों है, हमारे अमरनाथ यात्रा पे सिक्योरिटी क्यों है, हमारे राम मंदिर पे सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि सबको पता है यहाँ कोई भी आएगा अल्लाह बोलेगा फट जाएगा, लेकिन ईदगाह पे कोई भी हिंदू जाके जय श्री राम बोल के नहीं फट सकता है, सिंपल बात है। और रही बात आप माइनॉरिटी कमीशन का बात कर रहे हैं और माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, आरक्षण दिए बिल्कुल दिए, लेकिन वो कब तक लिमिटेड था ये बताइए ना, कब तक लिमिटेड था, बस बात खत्म, सिंपल बात है, अगर आपको आरक्षण देना है तो फाइनेंशियली बेस पे दीजिए, हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर कोई दलित है वो 600 मार्क्स भी ला रहा है वो सबसे टॉप पे जा रहा है, अगर हम 1000 प्लस भी मार्क्स ला रहे हैं हम सबसे नीचे में जा रहे हैं, ऐसा दुर्भावना क्यों, क्या भीमराव अम्बेडकर ऐसा छुआछूत कर रहे थे क्या, ब्राह्मण के साथ इस देश में छुआछूत होता है सर, और जो लोग ये कहते थे कि यादव के खिलाफ है बीजेपी, मोहन यादव कौन है, एमपी के सीएम है, लोग कहता था कि शर्मा के और ब्राह्मण के खिलाफ है कौन बीजेपी, राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा, लोग कहता था ये लोग जो आदिवासी विरोधी है, अच्छा आरोप सीएम कौन है, नहीं नहीं बताइए ना, विष्णु देव जी, तो सर कैसे खिलाफ हो गए, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है, मुझे ही बताइए, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट की बातें कर रहे थे, अयोध्या में तो कहते हैं कि 80% हिंदू पॉपुलेशन है, उसके बाद जो NSG वहाँ हब बनाने जा रही है केंद्र सरकार, उसकी क्या जरूरत पड़ी, अयोध्या का विधानसभा कौन है, फैजाबाद, बस खेला हो गया, जब ये नाम है फैजाबाद तो खेला हो गया, अब जब यहाँ पे मोदी जी बात करते हैं मुगल के आक्रांता को हटाएंगे, जितना भी गुलाबी मानसिकता है उसको हटाएंगे, चाहे वो मुगल का सिलेबस हो, चाहे मुगल गार्डन हो, चाहे मुगल के वंशज हो, अगर सबको हटाने का बात करते हैं विरोध कौन करता है इस देश का, हिंदू करता है, अब हिंदू करेगा तो देख लीजिए, अब सोचने वाला बात है, इस देश में पठान मूवी एक रिलीज हुआ था ना, पठान मूवी के खिलाफ कौन कौन था,
सब एक भगवाधारी हिंदू, क्या कह रहा था कि भगवान का अपमान हुआ है, भगवान बिकिनी पहनी, दिस डैट। अब एक बात बताइए, शाहरुख खान वैष्णो देवी गया, सब हिंदू चल गया उसको चाटने के लिए, सब हिंदू पहुंच गया कि शाहरुख खान वैष्णो देवी जा रहा है, भाई मूवी देख लो। शाहरुख खान अगर वैष्णो देवी गया है तो शाहरुख खान का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया वैष्णो देवी के समर्थन में, क्यों नहीं आया इसके समर्थन में कि रियासी में एक घटना हुआ है, बच्चे लोग का जान लिया गया है, हमको एक उसका न्याय चाहिए, क्यों नहीं आया शाहरुख खान का, क्यों नहीं आया माधुरी जी का। हम तो सिंपल एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, मेरा इतना औकात नहीं है कि रोहित शर्मा की वाइफ को हम खरीद सके, लेकिन इतना जरूर औकात रखता है इस देश का हिंदू कि जो हिंदू राम मंदिर बनवाया है वो हिंदू रोहित शर्मा की वाइफ माधुरी जी से एक ट्वीट भी करवा सकता है। सर तो क्यों नहीं आया होगा रिएक्शन जो अभी कश्मीर में, कितना हाइट है आपका, कितना हाइट है बताइए ना, गर्व से बताइए। 5'7" हो जाएगा, 5'5" मतलब समझ रहे हैं, 2 इंच कम हो जाएगा आप, पता है कैसे। अब मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा लीजिए, जय बोल के दिखा दीजिए, इसमें मुस्लिम के खिलाफ आतंकवादी हमला, सुन लीजिए, इस देश में हवस का पुजारी लिखा जा सकता है, जोश इस देश में, सुन लीजिए ना, इसमें क्यों आ रहे हैं पत्रकार महोदय, जोश में क्यों ना आए, क्यों ना आए, इस देश में हवस का पुजारी लिखा जा सकता है, इस देश में गुनाहों का देवता लिखा जा सकता है, लेकिन इस देश में गुनाहों का अल्लाह और हवस का मुल्ला नहीं लिखा जा सकता है, बताइए अब है कि नहीं दुर्भाग्य। इस देश में सबसे कायर पता है कौन कौन है, हिंदू है, ऐसे हिंदू है जो 50-100 में बैठ जाते हैं, ऐसे हिंदू है जो लाख रुपए दीजिए रातों रात आप लाख रुपए दीजिए उसको वोट दे देंगे, मतलब सोचने वाला बात है। जो अयोध्यावासी कल्याण सिंह का नहीं हुआ, जो बाबरी मस्जिद तोड़ाने में था उसका साथ नहीं दिया, जो अयोध्यावासी राम जी का नहीं हुआ, जो अयोध्यावासी सीता माँ पे शक किया, उस अयोध्यावासी से आप उम्मीद रखते बीजेपी का हो जाएगा, मोदी जी का हो जाएगा। सर आप बहुत बड़े भूल में हैं, हिंदू को अगर आपको लाना है अपनी लाइन पे तो हिंदू के लिए धर्मयुद्ध एक तैयार रखिए, हिंदू क्योंकि सबसे बड़ा कुंभकर्ण कभी आएगा लाइन पे, हम तो सोच रहे थे हिंदू जाग गया समझे, लेकिन हिंदू पता कब जागा था, बाथरूम जाने टाइम में, फिर बाथरूम से आया फिर सो गया। अब सोचने वाला बात है, वोट किया, इस देश में सबसे मूर्ख कौम कौन किसको कहा जाता है, मुस्लिम को, इस्लाम समुदाय के लोग को, सबसे मूर्ख कौम, जो पंचर छापते हैं, जो पंचर बनाते हैं, जो जिहाद करते हैं, आज के डेट में वही पंचर छाप, ठीक है हंसी मत पत्रकार महोदय, आज के डेट में वही पंचर छाप इतना गर्मी में बुरका पहन पहन के उसकी महिला और दो लुंगी पहन पहन के उसका मर्द सब जाके वोट किया, पढ़ा लिखा कौम कौन हुआ, मुस्लिम हुआ कि नहीं। और इसी देश में हिंदू जिसके लिए इतना काम किए मोदी जी, वो हिंदू जो है कायर बुजुर्ग की तरह एसी में हवा ले रहा था, ठंडा ठंडा हवा, देख लीजिए बीजेपी का क्या हाल हो गया। मोदी जी क्या मांगे थे ये बताइए, राम मंदिर बनवाए, 370 हटाए, CAL आए, 14 करोड़ शौचालय बनाए, 15 एम्स बनाए, 16 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए, 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए और कहीं ना कहीं 16 से ज़्यादा IT कॉलेज बनाए, लेकिन मोदी जी क्या चाहे इससे मेरे यहाँ, सिर्फ 400 पहाड़, क्या इस देश का हिंदू का औकात नहीं था 400 पहाड़ देने का। लोग ये कहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिंदू अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे लोग ये आरोप लगाते हैं आप पर कि आप जैसे लोग एक नैरेटिव और भ्रम फैलाते हैं कि हिंदू खतरे में है। फिर वही बात कर दी है, सनातन धर्म कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो क्या समझे, अजर अमर है, अजर अमर समझते हैं ना, जिसका जन्म हुआ और ना जिसका मृत्यु होगा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मृत्यु कैसे हो जाएगा। इस्लाम धर्म ऐसा धर्म है, लॉलीपॉप है, चूस लीजिए खतरे में आ जाता है, आप चूस लीजिए ना एक बार, आप चूस लीजिए, मुस्लिम कोई आ जाएंगे बोलेंगे मेरा धर्म खतरे में आ गया, लोग के पॉकेट में आपके इधर पॉकेट में पता क्या होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन मुस्लिम के पास पता है क्या है, विक्टिम कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड। पहले हमला करो हिंदू पे, पहले श्रद्धा का 36 टुकड़ा करो, पहले साक्षी खान को साक्षी को मारो, फिर नीलम देवी को मारो, उसका विक्टिम कार्ड निकाल के दिखा दो, हाय अल्लाह मेरा इस्लाम धर्म खतरे में आ गया। तो भाई ये एजेंडा चल रहा है देश में, इस्लाम धर्म सबसे